अगर आप भी रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करते हुए आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसा ही एक हादसा उस वक्त हुआ जब एक व्यक्ति फोन पर बात करते हुए रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, तभी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में जीआरपी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सौंप दिया है। यमुनानगर के गांधीनगर फाटक के पास रात मोबाइल सुनते सुनते रेलवे लाइन क्रॉस करते ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विष्णु नगर का रहने वाला कमलदीप, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, वह बिजली बोर्ड यमुनानगर में कार्यरत था और कल रात वह किसी काम के चलते घर से बाहर निकला और फोन सुनते सुनते गांधीनगर फाटक से जैसे ही रेलवे लाइन को पार करने लगा, अंबाला से सहारनपुर की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में आ गया। पता चला कि कमलदीप फोन पर बात कर रहा था और उसे ट्रेन के आने का पता नहीं चला, जिससे ट्रेन की चपेट में आकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हमारे पास रेलवे द्वारा मैसेज आया, जिसकी कार्रवाई के लिए वीरेंद्र कुमार ऐसे ही मौके पर गए। वहाँ पर इन्होंने कार्रवाई 174 लाई, वारसान मौके पर आए, इनको लाल दिखाई, उठवा के सिविल अस्पताल में रख दिया। इसका पोस्टमार्टम आज करवाना है और उसके बाद लाश परिजनों के बाद। मृतक कमलदीप है, पिता का नाम अनिल कुमार, विष्णुनगर का निवासी है। ड्राइवर ने बताया कि एक लड़का रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, टेलीफोन सुन रहा था और अचानक गाड़ी के आगे आ गया, उसकी मौत। टेलीफोन सुनते हुए अभी स्टेटमेंट लेंगे ड्राइवर गाड़ी के बाद में।